हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में पुनः आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। सर, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करें तो ये वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं, एज अ कनेक्टर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये वर्ड्स दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। इसलिए इनको रिलेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है। चूंकि इनका उपयोग नाम की जगह पर किया जाता है, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, इनकी मीनिंग की बात करें, तो इन सारे मीनिंग का जो मीनिंग होता है सारे वर्ड्स का, वो होता है जो, जिसे, जिसको, जिसने, कुछ इस तरीके का इनका मीनिंग होता है। सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं। यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने बताया था, यह वही चीज है जो आपने मुझे दी थी। इस तरीके के जो, जिसे, जिसको, जिसने, कनेक्टर्स के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये काफी यूजफुल वर्ड्स है और काफी कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स इनको कहा जा सकता है। चलिए समझते हैं, एक एक करके सारे वर्ड्स को हम देखते हैं और समझते हैं इनके मीनिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो पहला वर्ड हमारे पास होता है हु या हुम। फ्रेंड्स, जो डब्ल्यू एच ओ हु है, अगर हम हु के बारे में बात करें हु का मीनिंग होता है जो या जिसने। हु का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट की जगह पर। किसकी जगह पर यूज किया जाता है? सब्जेक्ट की जगह पर। जैसे कि हम बात करें, यह मेरा दोस्त है जिसने मेरी मदद की। यह मेरा दोस्त है जिसने मेरी मदद की। तो यह मेरा दोस्त है एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया जिसने मेरी मदद की। यहां पर जो जिसने शब्द आ रहा है, ये अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि जब भी सब्जेक्ट की जगह पर, जब भी सब्जेक्ट की जगह पर जो, जिसो, जिसे, जिसको, जिसने आए, तो हम वहां पर उस स्थिति में हु का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हु का। हु का मीनिंग एक तो होता है कि कौन, जब सेंटेंस के शुरू में इसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड की जरूरत की तरह यूज़ किया जाता है, तब तो इसका अर्थ होता है कौन या किसने। लेकिन जब कनेक्टर की तरह उपयोग किया जाता है सेंटेंस के बीच में, अगर ये आता है तो इस हु का जो यूज अर्थ होता है, हु का जो मीनिंग निकलता है, वह निकलता है जिसे, जो या जिसने, ठीक है। ये सब कनेक्टर के रूप में काम करता है। तो जो या जिसने अर्थ निकलता है, जब प्रश्न की तरह काम प्रश्न की तरह उपयोग किया जाता है तो निकलता है कौन और किसने, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यह मेरा दोस्त है जिसने मेरी मदद की। यहाँ पर जिसने जो है, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेरी मदद करने वाला जो है वो जिसने है। तो इसलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे हैं, जो, जिसे, जिसने। तो सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। तो ये होगा कि दिस इज या दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है जिसने, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर हु जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, इसलिए हमने हु का उपयोग किया है। इसी तरीके से अगर दूसरे वर्ड की बात अगर हम करें, नेक्स्ट वर्ड की बात अगर हम करें, तो हुम, हुम जो होता है डब्ल्यू एच ओ हुम, हुम का अर्थ होता है जिसे, जिसको। यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई और होता है, और जो, जिसे या जिसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग किया जाता है। चलिए सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। यह मेरा दोस्त है जिसे मैंने बताया या जिसे मैंने आपके बारे में
बताया, यह मेरा दोस्त है जिसे मैंने आपके बारे में बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो जिसे है ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि काम करने वाला तो मैं हूँ, बताने वाला मैं हूँ, सब्जेक्ट कौन हूँ, मैं हूँ, लेकिन जिसको बता रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि यह मेरा दोस्त है, तो हमने इसका लिखा सिंपल वे में कि दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। अब जिसे मैंने बताया, जिसे मैंने बताया तो जिसे किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बताने वाला मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, काम करने वाला मैं हूँ, और वह मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है इसलिए जिसे के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, हुम। किसने बताया, मैंने बताया, तो आई टोल्ड, हुम आई टोल्ड, जिसे मैंने बताया। तो यहाँ पर एक जगह हमने हुम का यूज़ किया और एक जगह हु का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्ट था, डायरेक्ट हेल्प आई और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट, तो हु सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है, जो जिसे जिसको जिसने सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जा रहा है तो हम हु का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह अगर यूज़ किया जा रहा है तो हुम का यूज़ करते हैं। आई होप आपको यह बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। और अगर हम बात करें तो ही इज राम, यह राम है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो स्थिति बन सकती है। अब मैंने किसी व्यक्ति के बारे में बोला कि भैया यह राम है, अब यह राम है तो या तो मैं काम करूँगा इसके ऊपर या फिर यह कोई काम करेगा। यह राम है जिसके साथ मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है फ्रेंड्स, मैं, तो वह राम क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर हम हुम का यूज़ करेंगे। और यह राम है जो मेरे साथ पढ़ता है, तो पढ़ने वाला कौन है, जो, वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। दो सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं समझने की कि ही इज राम, यह राम है जो, हु स्टडीज विथ, या फिर एकदम इजीएस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ही इज राम हु जो हेल्प्स, मदद करता है मेरी, और ही इज राम, यह राम है जिसकी, हुम, आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट, हेल्प, मदद करने के लिए आई क्या था, सब्जेक्ट था, और हुम क्या हो गया, जिसकी मदद करता था, तो हुम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह राम आया तो हमने हुम का यूज़ किया, जबकि हु हेल्प्स मी यह सब्जेक्ट की जगह आया, हेल्प वर्ब हो गई और मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम मदद करने वाला था तो हमने हु लिखा, और राम की मैंने मदद करी तो हमने क्या लिखा, हुम लिखा। और आगे अगर हम बात करें ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो सिंपल शब्द में अगर हम कहना चाहें तो हु किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा और हुम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात हु या हुम में यह है कि ये दोनों जनरली मनुष्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मनुष्य के लिए, कि भैया इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से और हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्नेहा इज माय फ्रेंड, स्नेहा मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ती है, जिसे मैं जानता हूं, जो अंग्रेजी बोलती है, जिसे आपने पूछा। अब ये सारे जो सेंटेंस है, जो जिसे जो जिसने, हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्नेहा के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास दो विकल्प हैं कि इन सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में अगर स्नेहा, इन सेंटेंसेस में अगर स्नेहा सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, इन सेंटेंसेस में स्नेहा अगर सब्जेक्ट का काम कर रही है तो हम हु का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स,
हु का यूज करेंगे अगर स्नेहा क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, और इन सेंटेंसेस में अगर स्नेहा ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो फिर हम फ्रेंड्स हुम का यूज करेंगे। बात समझ में आई? इन सेंटेंसेस में स्नेहा अगर सब्जेक्ट का काम कर रही है तो हम हु का यूज करेंगे, और स्नेहा अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज की जा रही है तो फिर वहां पर हुम का यूज करेंगे। चलिए समझते एग्जांपल्स के माध्यम से। जो मेरे साथ पढ़ती है, जो पढ़ती है मतलब वह क्या हो गई, सब्जेक्ट है, तो इसमें लिखेंगे हु स्टडीज विथ मी। क्या होगा फ्रेंड्स? हु स्टडीज विथ मी, जो मेरे साथ पढ़ती है। तो हु क्या हो गया फ्रेंड्स? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि स्टडीज क्या हो गई? वर्ब हो गई। स्नेहा इज माई फ्रेंड, स्नेहा मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ती है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो जिसे मैं जानता हूँ, तो जिसे भाई जानने वाला कौन है? मैं हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट और वह क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर क्या होगा? हुम, जिसको या जिसे, आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गया वर्ब, और ये हुम क्या हो गया? स्नेहा की जगह हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। जो अंग्रेजी बोलती है, अरे भैया वह अंग्रेजी बोल रही है, तो बोलने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हम यहां पर यूज करेंगे हु स्पीक्स इंग्लिश। हु स्पीक्स इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलती है। तो स्नेहा इज माई फ्रेंड, स्नेहा मेरी फ्रेंड है। हु स्टडीज विथ मी, जो मेरे साथ पढ़ती है। हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूँ। हु स्पीक्स इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलती है। तो ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पर डिफरेंट वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसे आपने पूछा, अब आपने पूछा तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट, और जिसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका बन सकता है कि हुम यू आस्क्ड, हुम यू आस्क्ड, जिसे आपने पूछा, जिसे आपने पूछा, तो इसका हम यूज कर सकते हैं कि whom you asked। अब फ्रेंड्स सारे सेंटेंसेस में हम बात स्नेहा की ही कर रहे हैं, लेकिन किसी सेंटेंस में स्नेहा सब्जेक्ट थी, किसी सेंटेंसेस में स्नेहा ऑब्जेक्ट थी। जहां पर स्नेहा सब्जेक्ट थी वहां पर हमने हु का यूज किया, जहां पर स्नेहा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई वहां पर हमने whom का यूज किया है। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही होगी, आई होप आप सभी को यहां तक बात समझ में आ रही। तो ये डिफरेंस था हु और whom के बीच में। चलिए समझते हैं हु और हुम के बारे में क्या कहा जाता है। तो हु एंड हुम आर मेनली यूज्ड फॉर पीपल। हु और हुम का यूज हम किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए भैया हुम और हुम का यूज करते हैं, मनुष्य के लिए हम हु या हुम का यूज करते हैं। ठीक है, हाउएवर फिर भी दीज प्रोनाउंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिफर द एनिमल्स। इनका उपयोग हम किसके साथ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो इनका उपयोग हम एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं, इनका उपयोग हम एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, देट आर मैंसन्ड बाई नेम एंड डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल, जिनको नाम के द्वारा हम बुला रहे हैं। वैसे एनिमल्स के साथ हम हु या हुम का यूज नहीं करते, लेकिन कोई एनिमल अगर हमारा पालतू एनिमल है और उसको हमने कोई नाम दिया हुआ है, तो इन दैट केस उस स्थिति में हम हु या हुम का यूज एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं। बाकी जनरली हु या हुम का यूज हम किसके साथ करते हैं? मनुष्यों के लिए करते हैं। और हु और हुम का मीनिंग अर्थ की बात करें तो हु का मतलब होता है जो या जिसने, और हुम का मतलब होता है जिसे या जिसको। आगे अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो द वैक्यूम स्केर्ड आवर डॉग रॉकी, जो वैक्यूम थी या हवा था या दबाव था, उसने रॉकी, हमारा जो डॉग है जिसका नाम रॉकी है, उसको डरा दिया। हु वाज स्लीपिंग, जो सो रहा था, जो सो रहा था। तो यहाँ सोने के लिए कौन था? रॉकी सो रहा था। रॉकी को अब हम पालतू मान रहे हैं, रॉकी को हमने नाम दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको हम ह्यूमन बीइंग कंसीडर कर रहे हैं। और जो सो रहा था, तो जो वह सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए हमने हु का यूज किया। तो हु वाज स्लीपिंग ऑन द रग। नेक्स्ट है द पीपल, लोग, हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन, लोग, अब लोग जो ट्रेन पर बोर्डेड हुए, ट्रेन पर चढ़े। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन पर बोर्ड हुए, तो वो सब्जेक्ट है क्योंकि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हु बोर्डेड इसीलिए सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पर क्या यूज किया? हु का यूज किया। हु जस्ट बोर्डेड द ट्रेन आर इन अ रॉक बैंड, वो रॉक बैंड में है। आगे अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें, द विटनेस, एक विटनेस गवाह, whom I interviewed, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, गिव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस दिए। तो यहां पर जिसका, ये ऑब्जेक्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला कौन है? मैं हूं, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, इंटरव्यू लिया, और जिसका, तो ये whom किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर whom का यूज किया है। आगे फ्रेंड्स आता है which। अब which के दो अर्थ निकल सकते हैं,
जो जिसे या जिसने जिसको, है ना। इट मीन्स यह सब्जेक्ट का कार्य भी कर सकता है, यह ऑब्जेक्ट का कार्य भी करता है। विच का उपयोग हम सब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए विच का उपयोग नहीं किया जाता है। मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए हम विच का उपयोग करते हैं, ठीक है। विच इज यूज फॉर एनिमल्स इन जनरल और थिंग्स। किसके लिए? एनिमल्स के लिए यूज किया जा सकता है या फिर थिंग्स के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। विनीता विजिटेड द पार्क। विनीता पार्क में गई किसके साथ? विथ अ डॉग, एक डॉग के साथ। अब डॉग यहाँ क्या है? एनिमल है। डॉग क्या है? एनिमल है। तो एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? एनिमल के लिए हम हु या होम का यूज नहीं कर सकते, और हु या होम का यूज कर सकते हैं कब? जब वह लिविंग बींग के रूप में कंसिडर किया जाता हो। तो विथ अ डॉग विच लाइक्स टू चेज स्क्वेरल्स। विच यानी जिसे पसंद है, जो। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट की जगह जनरली अभी हम हु या हु का यूज कर रहे थे, लेकिन एनिमल्स में सब्जेक्ट की जगह विच का उपयोग किया जा सकता है। तो विच लाइक्स टू, जिसे पसंद है, चेज स्क्वेरल्स, गिलहरियों को पकड़ना जिसे पसंद है। द बॉम विच किल्ड, बॉम्ब मतलब नॉन लिविंग की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, एक चीज की बात कर रही है, जिसने किल्ड 15 पीपल, जिसने लगभग 15 लोगों को मार दिया। तो विच यानी जिसने। अब ये चूंकि यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन एक चीज है, और चीजों के लिए चाहे सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, हम विच का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या यूज किया हमने? विच का यूज किया। वर्स्ट ऑफ सीरीज ऑफ टेररिस्ट आउटरेज। डेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डेट का मतलब होता है जो, जिसे, जिसने, जिसको। दैट कैन बी यूज फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, सभी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे द कार दैट जसप्रीत बॉट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। जो कार जसप्रीत ने ली, दैट वह, है ना। तो ये फ्रेंड्स जो जो आ रहा है स्पेशल, पहले द कार, जो कार उसने ली, है ना। तो इसके लिए हम यहां पर किसके कार का यूज कर रहे हैं? दैट का यूज कर रहे हैं, है ना। आगे अगर हम बात करें, दिस इज द, यह वही है। इस तरीके का सेंस आता है अगर, वही वाला, कि वही कार है, यह वही बुक है। दैट, तो ऐसे स्थिति में हम दैट का यूज करेंगे, चाहे मनुष्य की बात हो रही है या किसी की बात कर रहे हो। यह वही बुक है, सेम वर्ड। इसको ए और समझना चाहे तो, अगर ये सेम वर्ड कहीं पर आ रहा है तो फिर हम वहां पर हु, हुम या विच का यूज नहीं करते, दैट का ही यूज करते हैं। तो दिस इज द सेम बुक, यह वही बुक है, दैट यू आर रीडिंग, जो आप पढ़ रहे थे। दिस इज द सेम, सेम आ गया तो फिर यहां पर विच लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि सेम जब आएगा तो क्या यूज किया जाएगा? दैट यू आर रीडिंग, ठीक है। ही स्पेंट अप द लिटिल, और समझेंगे। अगर द लिटिल आ जाए तो फिर जो, जिसे, जिसको, जिसने, कोई भी आए, हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ठीक ठाक लगा होगा। हमने बात करी आज हु, हुम, विच और दैट के बारे में। अगर हम मोटे तौर पर रिवाइज करना चाहें तो हु का मतलब हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हु और हुम का उपयोग हम मनुष्यों के लिए करते हैं। विच की अगर हम बात करें तो विच का प्रयोग जो हम करते हैं वो मनुष्य को छोड़ करके नॉन लिविंग चीज़ों के लिए करते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं। तो दूसरी चीज़ों के लिए जब करते हैं तो चाहे वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट हो, विच का उपयोग किया जाता है। दैट के बारे में अगर हम बात करें तो जो कोई अगर सुपरलेटिव कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, द फ्यू लिखा हुआ है, द सेम लिखा है, द लिटिल लिखा हुआ है, एनी लिखा है, इस तरीके के अगर डिटर्मिन का यूज किया जा रहा है उसके पहले सेंटेंसेस में, तो वहां पर फिर हम डेट का यूज करते हैं, हु, हुम या विच का उपयोग नहीं करते। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ये आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, ठीक है। जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराया गया है, टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिलेगा। तो आप ये हमारा जो, सर ये कहाँ पर मिलेगा, ये कोर्स कहाँ से परचेस कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मास स्टडी का जो हमारा एक ऐप बना हुआ है, जो प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। क्या सर इसके अलावा दूसरे कोर्सेज भी है? हाँ, इसके अलावा दूसरे कोर्सेज भी है। ग्रामर का है, ग्रामर अगर आपका इंटरेस्टेड नहीं है, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बड़ा प्यारा कोर्स है, सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज में से एक है, ठीक है। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अगर हम बात करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको बेसिक स्पोकन इंग्लिश तो आता है, हमको जानते हैं सभी किसको क्या बोलते हैं और बोलना भी आता है, लेकिन फ्लुएंसी नहीं डेवलप हो रही है, तो फ्लुएंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये हमारा एक्सपर्ट एडवांस बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी।
आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको तो कोई पर्सनल ट्यूटर मिल जाए, पर्सनल लेवल पर हमको ट्रेनर मिले जो हमको सारी चीज़ें बताए, है ना, हर हमारी बात को सुने, तो पर्सनल ट्रेनर भी हम अवेलेबल कराते हैं जिसमें केवल एक स्टूडेंट रहता है, 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन रहता है, बेसिक टू एडवांस लेवल जहाँ भी आपको जो भी चीज़ें सीखना रहती है सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीख सकते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश की बुक भी मिल जाती है, कंप्लीट ओवरऑल स्पोकन बुक जो डिज़ाइन की गई है जिसमें आपके स्पोकन इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए, अगर आप बेसिक स्टूडेंट है ना तो ये बुक बड़ी ही प्यारी, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगभग हमने कवर कराए हैं, तो ये बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बच्चे अगर आपके घर में है छोटे मोटे तो उनके लिए किड्स स्पोकन इंग्लिश बैच है जो बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। आगे अगर हम बात करें कि आपको लग रहा है कि सर हमको सारा कुछ आता है लेकिन बोलते बोलते अटक जाते हैं, और अटकने का एकमात्र कारण रहता है वोकैब, हमको वर्ड्स नहीं याद आते हैं, तो स्पेशली वोकैब बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको लगता है कि सर हमें सब कुछ आता है लेकिन हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं या इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इवेल्युएशन के लिए फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक है, डेली यूज़ का टेस्ट सीरीज चलता है, तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिल सकता है, सारी चीज़ आपको मिलेगी कहाँ पर, एक ही प्लेस है फ्रेंड्स सारी चीज़ों का, वो है मास्टरडी का एक ऐप, आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर आप एप्पल आईफोन यूज़र है तो वहाँ पर भी जो भी उसका प्ले स्टोर रहता है तो वहाँ से आपको ये मास्टरडी का ऐप मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा, वो बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू।